मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी उरूज पर है। ईद पर भी हुर्रियत क्यादत को नजरबंद रखने और नमाज की इजाजत न देने पर भारतीय फोर्सेस के खिलाफ मकबूजा वादी में मुजाहरे हुए, जिनमें पाकिस्तानी परचम भी लहराए गए। दो माह से नजरबंद हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में तस्वुर से ज्यादा बुरी सूरत हाल है। यहाँ स्टेट टेररिज्म का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, भारत की तरफ से, फौज की तरफ से, पुलिस की तरफ से, यहाँ जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त सूरत हाल है। रमजान उल मुबारक में भी कोई जुमा की नमाज अदा नहीं की जा सकी, ईद की नमाज भी अदा नहीं की जा सकी और आज भी मैं मुसलसल नजरबंद हूँ। दूसरी भी जो आजादी पसंद कयादत है उनको भी अक्सर बेशतर नजरबंद रखा जाता है। सैयद अली गिलानी ने कहा कि भारतीय काबिज फौज ने कश्मीरियों की जिंदगी अजाब कर रखी है, भारतीय तसल्लुत के खिलाफ और हक खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। यहाँ जो लाकानूनियत है, जो स्टेट टेररिज्म का बदतरीन सतह पे मुजाहरा किया जा रहा है उसको खत्म किया जाए और जम्मू कश्मीर के आवाम को हक खुद इरादियत के इस्तेमाल का मौका फराहम किया जाए, इसी पर एहतजाज होता है और इसी पर यहाँ के लोग सड़कों पर आते हैं।